What's up, Cap Gang? Welcome back to brand new PUBG Mobile video. आ गए हम लोग एक ऐसे गेम प्ले के अंदर जिसके अंदर तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे मुंह के अंदर आ जाएगा एक चटपटा सा मजा। मैं जानता हूँ बड़ी ऊट पटांग रिलेशनशिप बता रहा हूँ मैं, लेकिन भाई सही बताऊँ तो अभी तुमको लगेगा एकदम यू नो नॉर्मल सा, लेकिन फिर जैसे जैसे गेम प्ले चलता जाएगा तुम्हारा मुंह हो जाएगा चटपटा और मजेदार। कैन ब्रो ये क्या खिला दिया मेरे यार। अच्छे भैया हनी फीमेल क्या है, लड़का लड़की? हेलो लड़का ही होगा ऑब्वियसली। नहीं मेल तो लड़की होती है। हाय भाई कांगारू बैठा पीएच कांगारू भैया ये लड़की पीएच कांगारू। अच्छा। आपका नाम है कांगारू? कहां पे कांगारू ये लिखा? अच्छा। कहां पर वहां दिखा जैसे उसका नाम मिया मियल से मिया खलीफा ऐसे ही कांगारू किंग एम दो से कांगारू लिखा होगा ना ऐसे। हां सही है फिर से ये स्टंट दिखा। एंड्रूमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। बंदा लेफ्ट में लाल करता ये पेटी तो दिल नहीं है। कितनी तेज चला रहा है गोली। रुक जाए कैप गैंग, आप लोगों ने 1x बेट के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका प्रमोशन करते हैं तो क्योंकि भाई साहब आप इसमें सही में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एंड आपको उसी के साथ इस ऐप के अंदर इंस्टेंट विड्रॉल भी मिलता है। बेटिंग ऐप है जिसके अंदर आप जाकर के अपने स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन लगा सकते हो। कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स हो, आपको जाना है यहाँ पर सिर्फ अपने बेट लगाने की कौन सी टीम आपको लगती है कि जीत सकती है एंड आपको बहुत सारा पैसा कमाने को यहाँ पे मौका मिलेगा। एंड अगर आप 100 रुपए डालते हो तो आपको 200 रुपए मिलते हैं, मतलब कि इसके अंदर एक तो बोनस चल रहा है, मतलब 100 पे 100, 200 पे 400, मतलब डबल हो जाएंगे पैसे आपके इसके अंदर डालते ही। तो भाई जा करके डाउनलोड करो 1x बेट को एंड यूज करना मेरा कूपन कोड किंग एंड्रू एंड भाई जा करके पैसे कमाइए। इसका लिंक तो सेक्शन में मैंने पिन कर दिया। ये लेफ्ट में कहाँ से है गेलंड? वो रोड पे हैं, इजी किल। एक इनको कर ये दो जगह। अरे आगे ये नहीं ना कर दे हमें। रुक जा यार, रुक जा। अब भाई इधर आने लग जाते हैं बैक टू बैक बंदे, लाइक अभी भी ना रोज वॉक में पता नहीं कितने स्क्वाड भरी पड़ी हैं और इन सब लोगों को एकदम से ना हम पे क्यों लड़ने आना पड़ गया पता नहीं। लाइक ऐसा लग रहा था जैसे हमने ना इनको कुछ लेके खा लिया है एंड पूरा का पूरा रोज वॉक गुस्सा होकर भाई हम पे चढ़े जा रहा है। अब मैंने तो जल्दी से थोड़े बहुत जो बटवा भैया मिले उनसे आशीर्वाद लिया, लेकिन इतने में और मैंने कहा भाई देखो ये जो तुम इतनी पब्लिक आए जा रही है ना भाई नॉन स्टॉप है, जरा ठंड पालो पाजी, इतना भी क्या गुस्सा, नहीं हद है यार, नहीं मतलब कतई हद हो रही, इतने बंदे आए जा रहे नॉन स्टॉप यार। नेड भी नेड कहां आ गया? नहीं बाहर गिर गया। ले ले नेड, ये रे बढ़िया। अब पीछे से देखते रहियो ये ओपन लॉल। अब ये वाला पता नहीं कौन सी स्क्वाड का बंदा था जो यहाँ पे ग्रेनेड फेंक रहा था, शायद से ये वही स्क्वाड का बंदा था जिसके हमने रास्ते में 3 बंदे मार दिए थे एंड मे बी उनका बदला लेने आया होगा। मगर तुम्हें लग रहा है रोजॉक की लड़ाई खत्म हो गई तो ऐसा बिल्कुल गलत है कैप गैंग, क्योंकि यहाँ पर फिर और स्क्वाड था कि मतलब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था,
सब लोग रोज वॉक आ रहे थे, कतई यू नो पेलम पाली चल रही थी बुरी वाली इस गेम में। पता है साला मैंने इन्हें कहां से देखा था, सोच मेरे को एक्चुअली क्या हुआ, ग्लिच हो गई है रेड करना। मैं कह रहा था लोन रेंजर को कुछ ज्यादा ही बंदे रोज वॉक नहीं आ रहे लाइक, वैसे तो रोज वॉक ठहरी दो केड़ी की जगह, मगर आज देखो इतने बंदे। एंड क्या कहेंगे यार, तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा रहे भाई, देखो ये रोज रॉक है ना, रोज रॉक बड़ी मस्त जगह है, मजाक सट के अब मेरे को मस्त पसंद आ गई है। कितने हो गए किल? ओ भाई साहब क्या हुआ भाई, मियां खलीफा भाई अजूबा, ओ भाई मियां मिल नहीं रहे क्या केले? इफ यू डोंट हैव केले यू गेट सपेरे। अब तुम लोगों को मैं बताने देता हूँ कि होने क्या वाला है। हम लोग गाड़ी निकल लेकर ना निकल ही रहे थे कि इतने में रोजॉक में आ जाती है एक और स्क्वाड। मैंने कहा भाई मैं नहीं खेल रहा ये गेम, इन सब लोगों का आज रोजॉक। देखो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ क्या तुमको रोजॉक पसंद भी है कि नहीं। फायर स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, बंदे आगे ऊपर रोजॉक के लिए बंदे। क्या करेंगे रोजॉक में, क्या गांड चुरा रहे हैं इतने बंदे आ रहे हैं। और तुम्हारे भाई ने यहाँ पे फटाफट फट यार जो यहाँ पे क्लच मारा है ना, इसपे तो लाइक बनता है। देखो भाई ये जो लाइक तो बनता है, देखो यार इतनी मेहनत से तुम्हारे भाई ने यहाँ पे वक्त बदला, जज्बात बदले, जिंदगी बदले, चार चार बंदों को पेटी बना करके लॉबी पहुंचाया है, इतने से बात पे लाइक तो बनता है, है कि नहीं कैप्टन? तो लेट सेम फॉर, चलो दो केडी का क्लच था, दो केडी के लाइक्स, ठीक है अब वो मेरे को नहीं पता कितना होता है बट ओके okay। तो अब इतने में हम लूट रहे होते कि इतने में आ जाते हैं एक और बॉट, पता है वो तो गाड़ी हवा में उड़ी तो मेरे को दिख गए बंदे, नहीं तो स्कैम होता ना सर। कोई आया आज, सही बताऊं तो मेरे को लग रहा है कि आज कुछ गड़बड़ है भाई कैप गैंग, कुछ तो गड़बड़ है भाई ये रोजॉक में, ऐसा क्या है, कुछ सोना वोना बट रहा है क्या यहाँ पे भाई, फ्री का खाना वाना भी है क्या, पता नहीं। चलो फिर हम रोजॉक से निकले, लेकिन फिर हमको मिलती है एक फ्लेयर। अब सारे बंदे इस फ्लेयर पे आ जाते सर्वर के पीछे, मैंने कहा भाई मजाक हो रहा है क्या हो रहा है ये कैब गैंग। एक छत पे बगल की, हाँ रुक जा अबे अजय मैं तक अकेला कहीं पे भी नेड़ आया। फुल बूस्ट कर ले, बच के रहना गाइस। ओपन से आ रहा राइट में, पीछे से एक की तरफ से ऊपर से पड़ गया। पहाड़ में, पहाड़ से आ रहा है देख। हाँ पता है, समझ गया। आपके नॉक मत होना ना, मर जाएगा। मैं रोए दे रहा हूँ, अच्छा मैं स्मोक कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर चलती है हमारी नॉन स्टॉप इंटेंस लड़ाई, पता नहीं कितनी स्कॉट्स। देखो भाई पता है फ्लेयर एक ऐसी 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 घटिया चीज है ना, मजाक सट के लोग जब बुलाते हैं ना इसके लिए, ठीक है फ्लेयर को, एंड एक फ्लेयर के लिए जब चार स्कॉट आती हैं, मैं उन चार स्कॉट से ये पूछना चाहता हूँ क्या उस एक फ्लेयर के लिए तुम लोग अपनी चारों की जान दाव पे लगा सकते हो? क्या वो एक फ्लेयर इतनी वर्थ इट भी है जितना तुम दाव लगा देते हो उस फ्लेयर के लिए? पता नहीं कैप के क्या चलता है इनके दिमाग, लेकिन हम भी उन्हीं दो कीड़ी के नूबड़ों में से हैं। आधे से ज्यादा बंदे तो फ्लेयर पर इसलिए आते क्योंकि फ्लेयर पर मिलते हैं बंदे, 100% बंदे मिलते ही मिलते हैं। तो तुम मतलब यहाँ से किल्स तो लेके जाओगे और नहीं तो फिर पिट के जाओगे, लेकिन मजा आएगा जो भी होगा। बट यार हमें क्या पता था कि ये पूरा खानदान आ जाएगा पूरा सर्वर को उठा करके। भाई पहाड़ से बंदे भागे भागे आ रहे हैं, कंपाउंड में बंदे छुपे हुए हैं, भाई क्या चल रहा है ये वर्थिस दिस बिहेवियर? वो देखो सामने चिमपोकली को नाचे जा रहा है मोगली सा, ये कितना भागेगा, रुक जा। लेकिन नहीं अभी भी भागे भी भागे भागे भी भागे जा रहे। मगर कैब गैंग देखते ही देखते वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाती है। एक ऐसी दुर्घटना घट बैठती है कि क्या है बताऊं भाई, सैड लाइफ हो जाती है। बस क्या बताऊं क्या बताऊं, एनिमीज अहेड, फेंक दे फटेंगे नहीं, पीछे से लगे थोड़ा पीछे को फेंक के। बहुत बढ़िया नीचे आता हूँ। अब ये जो हमारे कंपाउंड वाली स्क्वाड थी इन्होंने हम पे रश किया, तो तुम्हारे भाई तो भाई क्लोज रेंज में उनको मस्त यू नो बिठाया कान के नीचे, दे थप्पड़ दे के नॉकआउट नॉकआउट करके। M249 वाले एंड जो AKM वाला बंदा था उन्हें तो इंस्टेंट इंस्टेंट पेटी बना दी उनकी तो, और इतने में बाकी पूरी स्क्वाड भी मर गई। अब भाई मैं इसको इसका हाथ ही लगाने आया था लेकिन यार ये मर गया इधर, मेरे को पता नहीं था कि इसको ऊपर हाथ नहीं लगा और इतनी जल्दी ब्लीड हो रहा है। लोन रेंजर ने जैसे ही बताया मैं तेजी से भाग के आया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इतने में हमने एक तो काम कर लिया था कि हमारा कंपाउंड क्लियर हो गया था, बट स्नाइपर टावर में बंदे थे और इन स्नाइपर टावरों को मारने वाला भाई बहुत ताकत की बात होती, मजाक सकती क्योंकि भाई बीच में होती है सड़क और सड़क को तुम क्रॉस कैसे करोगे, अगर क्रॉस करोगे तो रास्ते में पिटोगे और इतने में पहाड़ पे आ जाती है एक ऑस्कर। मैंने कहा मेरे को खेलना ही नहीं है डोकेडी का गेम। दुनिया से मेरा खली बली नहीं भाई, इतना जो डैमेज दिया है वो कहाँ गया? उसको आसमान निकल के जमीन खा गया, वो डैमेज कहाँ गया भाई? इतना डैमेज मैंने मारा वो कहाँ गया? ये पबजी मेरे को इंसाफ चाहिए बे, ये DP इतनी खतरनाक गन तुम बोलते हो, इसका डैमेज इतना बाप है लॉन्ग रेंज में, इसका डैमेज ड्रॉप नहीं होता है बे, उसको नॉक करके इतनी गोलियां मरी वो मरा कैसे? नहीं क्या ये कहाँ की ना इंसाफी है माई लॉर्ड, ये कहाँ की ना इंसाफी है कैब गैंग? ऐसे एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हुआ, ठीक है एक ऑप्शन हुआ कि तुमको उठानी है DP या फिर M416, तो तुम कौन सी गन उठाओगे? मैं जानता हूँ दोनों गन्स बहुत फेवरेट है सबकी, लेकिन तब भी मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन सी ऐसी गन है जो तुमको पसंद है, DP वर्सेस M416। क्योंकि देखो AKM तो क्लोज रेंज में बाप गन होती है, इसको तो मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन लॉन्ग रेंज मिड रेंज के लिए तुम्हारे पास जो गन के ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं M4, SCAR-L, DP। अब देखो भैया SCAR-L तो काउंट ही नहीं होती है M4 और DP के सामने मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हुआ तो तुम कौन सी गन उठाओगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हमारी प्लानिंग ये थी कि हम लोग रश करेंगे स्नाइपर टावर वालों पे, ठीक है? लेकिन इतने में लोन रेंजर का गेम हो जाता है ग्लिच, वो बोलता है अरे भाई एंड्रू। मैंने कहा क्या हुआ? भाई मेरी जो गन है ना गन, हाँ वो गन हट नहीं रही है और मेरे हाथ में स्मोक आ नहीं रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है मैं? उसने कहा हाँ भाई मेरे हाथ में स्मोक नहीं आ रहे, ये क्या धोखेड़ी का गेम है? मैंने कहा कोई नहीं भाई, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, होल्ड ही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर हम पे स्मोक होते हम तो स्नाइपर टावर वालों पर पता कुत्तों की तरह घुस जाते, लेकिन भाई अब मेरे पे एक था एंड लोन रेंजर का हो गया था ग्लिच, अब क्या ही कर सकते। मगर फिर देखते ही देखते हमारे कान के नीचे पड़ा पटाका, दूर से पड़ गई, मैं सेफ हूँ बट मेरे पे आ जा।
अंदर चल मैं कवर दे रहा हूँ, मैं ले लूंगा। भाई 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 भाई, राइट से कौन आ गया? मेरे को जहां तक लग रहा है ये पहाड़ वाले बंदे शायद से जो घूम करके पूरा का पूरा राइट से, जी हाँ राइट से फ्लाइंग मार के है। लेकिन स्नाइपर टावर वाला बंदा हमारी हेल्प कर रहा है एंड उनको नॉकआउट कर रहा है AWM से। भाई उसने दो नॉकआउट कर दिए बैक टू बैक। भाई AWM लेके क्या गांजा वांजा फूके होगा भाई, इतना खतरनाक खेल रहे हो तुम स्नाइपर टावर वाले भैया। इसे दो नॉक दे दिए उधर, पता है मजाक सेट के। Not a problem. Okay. देख इस पे भी हो, मैं स्नाइपर टावर। देख यहाँ पे ओपन में एक बंदा है। Enemies ahead. ठीक है, हो गया ना, हो गया, ठीक है। एक पास में तो जरूर जाकर के फॉलो मी ऑन रियो टीवी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स हम वहां पर आते हैं और आते रहेंगे, मजा दिलाते रहेंगे। अब देख रहे हो सामने, सामने देख रहे हो सामने, ये स्नाइपर टावर दिख रहा है ना भाई, इसमें बैठा है बंदा और राइट वाले बंदे चले गए पहाड़ पे। ये स्क्वाड वो राइट वाला मार रहा है, नहीं वो जिंदा है। तुम जाओ मैं आता हूँ, आएगा भी। अरे जोन तो मार देगा तुझे, आजा। तो इधर मैंने जोन के बाहर रुक के लगाया 15 खेड़ी का दिमाग एंड जोन के बाहर से ही इस बंदे का साफ कर दिया। देखो अगर मैं जोन भाग कर आ जाता ना तो इस बंदे के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे को मारने की, क्योंकि मैं इससे पहले निकलता ऑब्वियसली, एंड अगर मैं इससे पहले निकलता और डैमेज बाहर नहीं खाता तो ये मेरे को अंदर जाते हुए देख लेता और बाहर से मेरे को नॉक फिनिश कर देता। मगर तुम्हारा भाई निकला शाणा और मैं रुक गया बाहर। मैंने कहा भाई जा तू जा, तू जा देखते हैं। अब बचे हुए थे 3 बंदे। अब दिक्कत ये थी कि ये पता नहीं कौन से स्क्वाड के हैं, ये एक साथ अलग अलग है। मगर वापस से पबजी में यार ये ग्लिचेस इतने, एक तो पहाड़ के ऊपर मेरे को 2 बंदे लेटे हुए दिख गए। मैंने कहा अरे वाह थैंक यू सो मच पबजी यार, तुम्हारे ऐसे ग्लिचेस इतने खतरनाक है, फ्री का बता देते हो क्या है, कहाँ बंदा छुपा हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो हरे हरे कपड़े है ना मेरे पास, अब इन्हीं कपड़ों से पेलम पाली करेगा तुम्हारा भाई। अब मैं इधर बैठ कर ना देख रहा था अपने आसपास कि मेरे आसपास तो कोई गुटखा धार नागिन नहीं है ना रे बाबा। ये सारे के सारे बंदे सामने किधर से, पहाड़ पर ही है ना, कहीं और तो नहीं है, क्योंकि अगर कहीं और हुए ये तो समझ रहे हो ना है बे, बहुत बुरा छितूंगा मैं, बहुत बुरा। अब आ जाते हैं जोन बाबा, मार रहा हूँ, मार दे। अब ये दोनों के दोनों सस्ते गंजेड़ी आकर के गाड़ी ऐसे रोकते हो ओपन में जैसे कि इनके बाप का गेम हो। ये देखो जरा हरकत इसकी, ये बंदा हेल्थ कहाँ देख के मार रहा, आई डोंट नो। दूसरी तरफ देख, क्या कर रहा था ये, गन बनाई लास्ट उधर ही होगा। हेलो एंड इसी के साथ तुम्हारे भाई को मिल गया विनरू, विनरू तुम्हारे भाई एंड्रू का प्यारा सा चिकन डिनरू। क्या भी अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखो मैं मोमोस बेचने जा रहा हूँ, ठीक है, और तुम भी आ जाना खाने। बाय बाय लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।